वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अगले 14 रोज के लिए लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। कहा सूबे में प्लम्बर, हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकानें खोलने से मना कर दिया है। डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मोटरसाइकिल पर बच्चों को भी बिठाने की इजाजत नहीं होगी। सिंध के फैसलों को बाकी सूबे फॉलो करें तो अच्छी बात है। कोई समझ रहा है पाकिस्तान में वायरस दूसरे ममालिक से कम है तो गलत होगा। वायरस से निपटने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। अगले 14 दिन और मजीद लॉकडाउन होगा, मेरी और आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि और सख्त हो जाएगा। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, टेलर्स और हाँ हेयर ड्रेसर्स ये नहीं खोल सकते हम, इसलिए कि हमारे लिए जो बाकी दुकानदार हैं उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुली तो हर चीज चाहिए। डबल सवारी अब नहीं अलाउ करेंगे मोटरसाइकिल पर, सिवाय अगर कोई खातून हो, फीमेल मेंबर हो, हम नहीं करेंगे। वो 3-4 बच्चों के साथ नहीं अलाउ करेंगे। ये मजीद सख्त लॉकडाउन की एक आपको बताया, वही जो पहले हमारा एसओपी था कि सुबह 8 से 5 बजे तक जो होगी, 5 बजे के बाद सख्ती और ज्यादा करेंगे। लोगों को एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसीज नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई ये समझ रहा है कि इन्फेक्शन हमारी दुनिया के बाकी मुल्कों से कम है तो वो गलत है।